मोहतरम असातिज़े किराम और मेरे प्यारे दोस्तों, सबको आदाब। आज अगस्त 15 है, हमारे लिए खुशी का दिन। हर साल अगस्त 15 को हिंदुस्तान में आज़ादी का दिन मनाया जाता है। 1947 ईस्वी में उसी तारीख को हमारा भारत ने एक बड़े झगड़े के बाद अंग्रेजों से आज़ादी हासिल की। इस वक्त में आप लोगों से चंद बातें बताना चाहती हूँ। यौम आज़ादी सरकारी तौर पर भारत के कोने कोने में हर साल मनाया जाते हैं। यौम आज़ादी से पहले शाम को सदर हिंदुस्तान कौम के नाम खिताब करती है। 15 अगस्त को वज़ीर आज़म तारीख़ लाल किले पर हिंदुस्तान झंडा लहराते हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला। इस अजीम शान मौका में मुजाहिदीन आज़ादी के नाम याद किए जाते हैं। उर्दू जबान ही ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारी ही जबान ने सारे जहां से अच्छा का गीत हिंदुस्तान के लिए अदा किया है। प्यारे दोस्तों, जंगे आज़ादी में हमारी जबान, हमारी प्यारी जबान उर्दू का रोल आप जानते हैं। इसी तरह उर्दू के बहुत से अदीबों ने भी जंगे आज़ादी में अपना रोल अदा किया है। अल्लामा इकबाल, बिस्मिल अज़ीम आबादी, प्रेमचंद, अबुल कलाम आज़ाद, मौलवी बाकर, हसरत मुहानी, मोहम्मद अली जौहर वगैरह उनमें काबिले जिक्र है। प्यारे दोस्तों, यौम आज़ादी के इस दिन इतनी कहकर मैं अपनी छोटी सी तकरीर यहाँ ख़त्म करती हूँ और सबको एक बार भी यौम आज़ादी का मुबारकबाद देती हूँ। शुक्रिया। जय हिंदुस्तान।